काफी कमेंट आ रहे थे कि 504 और 505 का एग्जामिनेशन कब होगा, इसका असाइनमेंट कब बनाना है, असाइनमेंट कब जमा करेंगे। तो यदि आपको नहीं पता है कि 504 और 505 का कब हमें असाइनमेंट बनाना है या इसका एग्जामिनेशन कब होगा, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको हम बताएंगे कि 504 और 505 का एग्जामिनेशन कब होगा, उसका असाइनमेंट को कब आपको सबमिट करना है, कितना फी होगा, ये सब सारा चीज़ के बारे में आपको हम बताने वाले। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपके लिए वीडियो काफ़ी लाभदायक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप सभी को हम वेलकम करते हैं। वेलकम टू आवर डीसीएस क्लास। हमारे डीसीएस क्लास में आप सभी को स्वागत है। यहाँ जो हम लोग टॉपिक्स में बात करने वाले हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एडुकेशन, जिसको शॉर्ट में डीएलएड के नाम से जानी जाती है। वैसे स्टूडेंट, वैसे कैंडिडेट, वैसे टीचर जो एनआईएस से कर रहे होंगे, उनके लिए आज एक काफ़ी न्यूज़ है जो इम्पॉर्टेंट है। अक्सर हर किसी के मन में यह क्वेश्चन, यह सवाल उठ रहा है कि 504 505 का क्या होगा, तो उसी के विषय में आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर जो टॉपिक्स हमारा आज है, 504 एंड 505 का एग्जाम डेट और असाइनमेंट के विषय में हम लोग चर्चा करने वाले। हमें कमेंट भी आया, आप देख पा रहे होंगे, देवेंद्र कुमार का यहाँ पर कमेंट है, ये पूछ रहे हैं कि 504 का एग्जाम कब होगा। तो आइए इन्हीं को आंसर देते हैं, और यदि किसी कैंडिडेट को ऐसा क्वेश्चन पूछना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको बताएँ कि कैसे आपको आंसर देना है। और कमेंट के लिखने से पहले अपना हैज डिजिटल क्लास लगाना ना भूले, आपको जल्द से जल्द हम रिप्लाई करेंगे, इस चीज़ को आप ध्यान जरूर रखें। तो चलिए आपको यह जो है इसका आंसर हम लोग देते हैं कि कैसे इसका होगा। हम लोग यहाँ पर दो टॉपिक्स पर बात करेंगे, पहले असाइनमेंट 504 505 को कब जमा करना और कैसे बनाना है, और दूसरा 504 और 505 का एग्जामिनेशन कब होगा। दोनों का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है असाइनमेंट को जो है कब बनाना है, कैसे बनाना है 504 और 505 को। तो आप सभी को बता दें कि आप www.nis.ac.in के साइट पर जैसे ही आप जाते हैं, तो स्टडी मटेरियल के टॉपिक्स पर जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश को चूज करने के लिए आपको दी जाती है। तो यहाँ पर 501 आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर अंतिम में 501 का यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे, फिर 502 का यहाँ अंतिम में असाइनमेंट का क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, 503 का भी अंतिम में यहाँ पर असाइनमेंट का क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन 504 का और 505 का नीचे में किसी भी प्रकार के असाइनमेंट को लेकर कहीं पर लिंक नहीं दिए गए। इसका यह अर्थ हुआ कि अभी 504 और 505 का आपसे असाइनमेंट नहीं मांगा जा रहा, इसीलिए आप हड़बड़ाइए नहीं। अभी आपको 504 और 505 का यदि मांगा जाएगा एनआईएस की तरफ से, तो ऑटोमेटिकली इसका वेबसाइट में जो है तुरंत ही अपडेट हो जाएगा। और आपको हम बताते हैं कि एनआईएस का अगर कोई भी जानकारी लेना रहे तो एनआईएस का .ac.in के साइट पर जरूर एक बार विजिट करें, इससे सही जानकारी और सही सटीक जानकारी कोई नहीं दे सकता, कोई यूट्यूब में नहीं, कहीं पर न्यूज़ में नहीं, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे अच्छा है कि किसी से पूछने से अच्छा है कि आप nis.ac.in के साइट पर चले जाएँ, और यहाँ पर देखें जिस दिन यहाँ पर अपलोड हो जाएगा क्वेश्चन, असाइनमेंट का क्वेश्चन, उस दिन आप समझ जाइए कि अब हमें जो है असाइनमेंट बनाना, अब हमें स्टार्ट करना। इसीलिए हमारे चैनल के माध्यम से आपको असाइनमेंट का 504 और 505 के असाइनमेंट का क्वेश्चन का आंसर जो है आपको नहीं मिल पा रही, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी तक क्वेश्चन ही अपलोड नहीं हुआ है, तो आंसर कैसे दीजिएगा? पहले पता तो होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है, तब ना आप आंसर दीजिएगा। आई होप आपको असाइनमेंट को लेकर जो 504 और 505 के जो मन पर आपका क्वेश्चन चल रहा था, वो पूरा डाउट जो है क्लियर हो चुके। अब दूसरी क्वेश्चन है 504 और 505 का एग्जामिनेशन कब होगा। तो चलिए 504 और 505 का परीक्षा के बारे में जानते हैं, वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो लिखी हुई है, द फर्स्ट एनआईएस पब्लिश एग्जामिनेशन फॉर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एडुकेशन डीएलएड इन 3 मॉड्यूल्स। यहाँ पर आपको तीन ही मॉड्यूल का भी परीक्षा का तैयारी करना है, 501 का, 502 का, 503 का, बस तीन ही आपको तैयारी करना है। 504 और 505 का भी एग्जाम भी आपको नहीं देना है, ना ही 504 505 का असाइनमेंट तैयार करना है, ना ही 504 505 का अभी परीक्षा के लिए आपको किसी प्रकार कुछ भी पढ़ना है। यदि आपको परीक्षा देना होता तो इसके आगे यहाँ 3 मॉड्यूल लिखा है,
यहाँ पर 5 मॉड्यूल्स कर आपका यहाँ पर कर दिया जाता। यहाँ पर ऑटोमेटिकली नाम होता कि 501, 502, 503, 504, 505। बट यहाँ पर जो इसी ऑफिशियल वेबसाइट से निकाली हुई ये पीडीएफ, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का 504 और 505 को लेकर कोई जिक्र नहीं की गई। इसका यही अर्थ हो रही है कि 504, 505 का भी कोई एग्जामिनेशन नहीं होने वाले। तो आई होप आपका जो असाइनमेंट को लेकर और 504, 505 को एग्जामिनेशन को लेकर जो आपके मन में जो समस्या हो रही थी, ये पूरा डाउट आपको क्लियर हो गएंगे। अब आप कमेंट नहीं करिएगा, हमें पता है कि 504 और 505 को लेकर काफ़ी कमेंट आ रहे थे 504 और 505 को। फिर भी किसी प्रकार का कोई समस्या तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा 504, 505 के लिए। हम आपको बताएंगे, स्पेशलिस्ट अलग अलग करके हम आपको बताएंगे। आपको कमेंट कैसे करना आप आज हम आपको बताते हैं। आपका कमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं आता है हम आपको बताते हैं। हर कमेंट का रिप्लाई आएगा, बशर्ते आपको क्या करना होगा आपको हम बताते हैं कि कैसे आपको टाइप करके कैसे कमेंट करना है। आइए जानते हैं कि कमेंट कैसे किया जाता है। कुछ भी यदि आप क्वेश्चन पूछते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हैज जो लिखी हुई है, यहाँ पर हैज का साइन दें, फिर लिखें डिजिटल्स क्लास। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पर एस लगाना जरूरी है, DIGITALS, डिजिटल्स क्लास। यहाँ पर डिजिटल्स के बाद एक स्पेस डालना है, उसके बाद जो है यहाँ पर क्लास आपको लिखनी है, CLASS क्लास आपको लिखनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक स्पेस डालनी है। स्पेस डालने के बाद जो भी आपका क्यूरी होंगे, जो भी आपके पास क्वेश्चन होंगे, उस क्वेश्चन को आपको टाइप कर दीजिए। जैसे कि लिखना चाहते हैं कि थैंक्स फॉर वाचिंग, या थैंक्स लिखना चाहते हैं तो इस तरह से थैंक्स लिख सकते हैं आप, THANKS, थैंक्स, थैंक्स आप जो है लिख सकते हैं। तो इस तरह से करके जो है आप जो है हमें कमेंट करें, आपको हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे कि किस टाइप से थैंक्स आप कहें या कोई भी चीज़ आपको कहें किस टाइप से, इस टाइप से करके कमेंट ज़रूर करें, हम आपको ज़रूर आपके पास रिप्लाई करेंगे। आई होप आपको यह वीडियो पसंद लगा होगा। 504, 505 के लेकर जितने भी मन में क्वेश्चन थे सारे डाउट क्लियर होंगे, हो गए होंगे। तो वीडियो पसंद लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और इस टाइप का न्यूज़ देखने के लिए, इस टाइप का इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आपको कोई भी समस्या है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपने हमारा, यानी कि आपने अपना कीमती समय देकर हमारा वीडियो को देखिए, लाइक किए, अपना कीमती समय दिए, दोस्तों के साथ शेयर किया। और आप चैनल में नए थे इसी कारण सब्सक्राइब बटन को दबा दिए। इन सभी को काम करने के लिए आप सभी को हम हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं कोई एक नए टॉपिक्स के साथ।